घोषणा हो चुकी है। आप जानते हैं एक तरफ तो एक घमंडिया सरकार है, एक घमंडिया जो है एक इंडी गठबंधन हुआ है, जो घोटालों का गठबंधन हुआ है, जिसमें एक से एक बढ़कर स्कैम, एक से एक बढ़कर घोटाला, जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते। Congratulations, Kangana, for coming into politics, and wish you all good luck, best of luck for you. And वो बहुत ही अच्छी कलाकार है, and very wonderful girl. और वो विष्णु के नाम पर जिनका नाम है, ये कहा जा सकता है वो भी उनके ही अंश जो हम सबका पालन करते हैं। She will do very well in politics. मैं अपनी बहनों को कहना चाहती हूँ कि जब से नरेंद्र मोदी जी ने इस सरकार की बागडोर संभाली है, मेरी प्यारी बहनें जानती हैं कि हमें अब पहली बार लग रहा है कि कोई हमारी वाकई में चिंता करता है। जो शादी की उम्र 18 साल से उन्होंने 21 साल कर दी, यहाँ तक कि उन्हें हमारी जो मुस्लिम बहनें हैं जिनका 3 तलाक की तरह पता नहीं कितनी कुप्रथाएं हैं, उनका भी उन्होंने अंत किया। उसके बाद उन्होंने 33% आरक्षण दिया लोकसभा में, विधानसभा में, जिसका आप देख सकते हैं, जिसका सीधा फायदा जो है वो मुझे हुआ। आपकी बहन, आपकी अपनी बेटी, आपकी अपनी कंगना, आज मैं आपके पास कोई हीरोइन बन के नहीं आई हूँ, मैं एक सेविका के रूप में आई हूँ। हमारे प्रधानमंत्री खुद को प्रधान सेवक कहते हैं, तो हम तो उनके भी सेवक हैं। तो आप सोचिए हम कितने छोटे सेवक हैं। हम सेवक के रूप में आपकी कृपा पाने के लिए आए हुए हैं, ताकि आप हमें सेवा का मौका दें और हमारे भी भाग जाके। तो उन्होंने 33% रिजर्वेशन देके मेरी जैसी महिलाओं को कितने बड़ा एक जिम्मेदारी दी है। उसके साथ में वो गर्भवती महिलाओं की भी चिंता करते हैं कि जब एक गर्भवती महिला अपने संतान को, छोटे से शिशु को घर पे छोड़ के जाएगी, तो उसकी क्या मनोदशा होगी, उसकी क्या मानसिकता, उसकी कितनी ज्यादा उसको टेंशन हो जाएगी। कहा तो पहले की सरकार 3 महीने तक की पेड लीव देती थी, 12 हफ्ते, 2.5-3 महीने तक की। अब नरेंद्र मोदी जी ने जो जिसने जो भी कहा है, 6-6.5 महीना, 26 हफ्तों तक कमिंग इन टू पेड लीव दी जाती है एक नई माता को। वो इस बात की भी चिंता करती है कि जब एक शिशु एक माता का दूध पीता है तो उसके पोषक में कितनी कमी आ जाती है, तो उसका कौन ध्यान रखता होगा। माताएं बहनें सबकी सोचती हैं। आज आप यहाँ पे आए हैं, किसी ने आपको कपड़े बना के दिए हैं, खाना बना के दिया है, घर साफ करके, लेकिन उनके बारे में कोई नहीं सोचता। उनके बारे में हमारे प्रधानमंत्री सोचते हैं। 6,000 एक नई माता को देते हैं। दोस्तों, हमारे समाज में एक बेटी होती है तो कहीं ना कहीं लोग सोचते हैं कि लड़की हो गई, लेकिन जब दूसरी बेटी होती है, मैं भी दूसरी बेटी हूँ, तो हमें पता है कि माता को किस तरह की बातें सुननी पड़ती हैं। ऐसी माताओं को भी वो 6,000 रुपए की राशि देती है। वो बहुत चिंता करते हैं लड़कियों की, बहुत वो आदर करते हैं लड़कियों की। लेकिन आप घमंडी गठबंधन देखिए, वो आपसे ये कहते हैं कि एक महिला का रेट क्या है, वो महिलाओं को इस नजर से देखते हैं, जो हमारा आदर नहीं कर सकते वो हमारा कल्याण क्या करेंगे। बहनों, ये बात आप लोगों ने कभी नहीं भूलनी है कि ये नरेंद्र मोदी की सरकार ने हमारी बच्चियों को कितनी स्कॉलरशिप दी, छात्रवृत्ति, 3.5 करोड़ से ज्यादा बच्चियों को जिनको पढ़ने की इच्छा है, जो कुछ बनना चाहती है, 85 करोड़ से ज्यादा की स्कॉलरशिप दी गई है। जो महिलाएं अपना व्यवसाय, अपना बिजनेस करना चाहती हैं, उनको 85,000, उनको 30 करोड़ से ज्यादा के लोन दिए गए हैं। जो महिलाएं अपने चूल्हों में आंखें फूट रही थी, आंसू निकलते थे, सारा दिन लगी रहती थी, पहले लकड़ियां इकट्ठा करेंगी, फिर लकड़ियां आने का वेट करेंगी, उनकी भी उनको चिंता। पॉलिटिक्स एंड विश यू ऑल गुड लक, बेस्ट ऑफ लक फॉर यू। एंड वो बहुत ही अच्छी कलाकार है, एंड वेरी वंडरफुल गर्ल। और उसने अकेला होकर सब पूरा इंडस्ट्री के साथ इतना लड़ाई की, मतलब अपने इसके लिए, अस्तित्व के लिए। एंड शी इज, एंड आई एम श्योर दैट शी विल डू वेरी वेल इन पॉलिटिक्स ऑल्सो। जो जिसने जो भी कहा है वो बहुत ही गलत कहा है, ऐसा बोलना नहीं चाहिए। एंड वी आर फिल्म स्टार्स मीन्स वी हैव लॉट ऑफ डिग्निटी। हमें जो इतनी डिग्निटी है, बाकी शायद लोगों में नहीं हो सकता है, कई लोगों में।
तो मैं कहती हूँ कि जो बोला है कांग्रेस के नेता ने वो गलत बात है. शी शुड टेक इट बैक एंड कंगना विल फाइट इट बैक नाइसली. बहुत ज्यादा कष्ट होता है. उन्होंने जो भी प्रधानमंत्री आवास योजना की उसमें अधिकतर घर उन्होंने महिलाओं के नाम किए. 3 से 4 करोड़ घर उन्होंने महिलाओं के नाम किए. तो बहनों आपने ये बात कतई नहीं भूलनी है कि जो हमारे प्रधानमंत्री हैं वो सिर्फ उन्होंने राम का मंदिर ही स्थापित नहीं किया है, उन्होंने इस देश में राम का चरित्र स्थापित किया है. तो उनमें जो गुण हैं त्याग समर्पण निष्ठा करुणा क्षमा जितना जितना गंभीर और जितना विशालकाय श्री राम का चरित्र है हम ये भी कह सकते हैं कि उससे प्रेरित होकर हमारे प्रधानमंत्री भी सदा ही राम की भक्ति का राम के अंश का एक प्रतीक है. तो दोस्तों ये महान जो हमारे यशस्वी नेता हैं जिनका जो यश और कीर्ति है ना कि सिर्फ इस देश में न जाने कितने देशों में समस्त विश्व में है. आज उन्होंने जब अपना एक फेस चुना है, आप जानते हैं कि ये लोकसभा के चुनाव हैं, हम एक प्रधानमंत्री चुनने जा रहे हैं, तो उन्होंने जब इस क्षेत्र से एक नाम चुना कि ये मेरा चेहरा होगा, ये मेरे आप इसे वोट देंगे तो मुझ तक पहुंचेगा, तो उसमें आप उन्होंने आपकी बेटी आपकी मंडी की बेटी को चुना. तो दोस्तों ये हमारे लिए बहुत ही गर्व की बात है. अब हमें जो उन्होंने यहाँ पे एक फूल खिलाया है हमें कमल का फूल खिलाना है और उनकी झोली में डालना है और हमें उनके जो 400 पार का ये जो उनका एक संकल्प है उसमें हमें अपना भी कमल का फूल डालना है. जय हिंद भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की. Congratulations, Kangana, for coming into politics. And wish you all good luck, best of luck to you. And बहुत ही अच्छी कलाकार है and वेरी wonderful girl. उसने अकेला होकर सब पूरा इंडस्ट्री के साथ इतना लड़ाई की, मतलब अपने इसके लिए अस्तित्व के लिए. एंड शी इज आई एम श्योर दैट शी विल वेरी वेल इन पॉलिटिक्स आल्सो. जो जिसने जो भी कहा है वो बहुत ही गलत कहा है, ऐसा बोलना नहीं चाहिए. एंड वी आर फिल्म स्टार्स मींस वी हैव लॉट ऑफ डिग्निटी. हमें जो इतनी डिग्निटी है बाकी शायद लोगों में नहीं हो सकता है, कई लोगों में. सुख शांति. मैं कहती हूँ कि जो बोला है कांग्रेस के नेता ने वो गलत बात है. एंड कंगना विल फाइट इट बैक नाइसली है, ऐसा बोलना नहीं चाहिए. जन्मभूमि के लिए वो मैं आपको क्या ही बताऊँ. बहुत अच्छे इनके विचार हैं और बहुत अच्छे ही इनके आप लोगों के लिए जो प्लान्स हैं. और मेरे साथ बहुत ही जोश से डिस्कस कर रहे थे हम ये करेंगे हम वो करेंगे. तो निश्चय ही बहुत अच्छा लगता है जब ऐसे युवा नेताओं को देखते हैं और ऐसा देखते हैं कि जो हमारी जगहें हैं वो बहुत ही अच्छे सुरक्षित हाथों में हैं. साथ में मैं सारे कार्यकर्ताओं का बहुत धन्यवादी हूँ. कुछ मुख्य लोगों का ही हम यहाँ पे नाम ले पाएंगे लेकिन ये आप अवश्य ही जानते हैं कि कोई भी इस पार्टी में मुख्य ऐसी कोई बात नहीं है. पार्टी में हमारी पार्टी में नेता लोग चुनाव नहीं जिताते हैं, हमारी पार्टी में एक आम साधारण कार्यकर्ता ही चुनाव जिताता है. मैं धन्यवाद करती हूँ दीपराज जी का जो यहाँ के विधायक. कंग्रेचुलेशंस कंगना फॉर कमिंग इनटू पॉलिटिक्स एंड विश यू ऑल गुड लक बेस्ट ऑफ लक फॉर यू. एंड वो बहुत ही अच्छी कलाकार हैं एंड वेरी वंडरफुल गर्ल. और उसने अकेला होकर सब पूरा इंडस्ट्री के साथ इतना. सावित्री जी कमल धारा
ठाकुर जी, सपना जी महिला जो महामंत्री हैं, जितेंद्र महाजन मीडिया प्रभारी, बसंती जी बीडीसी, नरेश जी बीडीसी, महेश जी, कृष्ण जी उप प्रधान, नंदलाल जी उप प्रधान, उपेंद्र ठाकुर जी वरिष्ठ नेता, सीमा जी जिला परिषद, दोस्तों बाकी जिनके नाम इसमें नहीं आए हैं वो भी भाई बहन बुजुर्ग कोई हमारे लिए कम मायने नहीं रखते हैं। धर्म युद्ध की जो है वो घोषणा हो चुकी है। आप जानते हैं एक तरफ तो एक घमंडिया सरकार है, एक घमंडिया जो है एक इंडी गठबंधन हुआ है, जो घोटालों का गठबंधन हुआ है, जिसमें एक से एक बढ़कर स्कैम, एक से एक बढ़कर घोटाला, जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते। 2G से लेके कोयला तक, चारा तक सब खा लिया इन लोगों ने। इतने बेशर्म, इतने शर्मनाक घोटाले इन लोगों ने करे हैं, उसका एक जहरीला मिश्रण बना हुआ है। और दूसरी तरफ निश्चय ही जिनका नाम नरेंद्र लड़ाई की, मतलब अपने इसके लिए, अस्तित्व के लिए, इन पॉलिटिक्स ऑल्सो, जो जिसने जो भी कहा है वो बहुत ही गलत कहा है, ऐसा बोलना नहीं चाहिए। एंड वी आर फिल्म स्टार्स मीन्स वी हैव लॉट ऑफ डिग्निटी, हमें जो इतनी डिग्निटी है बाकी शायद लोगों में नहीं हो सकता है, कई लोगों में। तो मैं कहती हूँ कि जो बोला है कांग्रेस के नेता ने वो गलत बात है, शी शुड टेक इट बैक, एंड आई कंगना विल फाइट इट बैक नाइसली। उसके बाद उन्होंने 33% आरक्षण दिया लोकसभा में, विधानसभा में, जिसका आप देख सकते हैं, जिसका सीधा फायदा जो है वो मुझे हुआ। आपकी बहन, आपकी अपनी बेटी, आपकी अपनी कंगना, आज मैं आपके पास कोई हीरोइन बन के नहीं आई हूँ, मैं एक सेविका के रूप में आई हूँ। हमारे प्रधानमंत्री खुद को प्रधान सेवक कहते हैं, तो हम तो उनके भी सेवक है, तो आप सोचिए हम कितने छोटे सेवक हैं। हम सेवक के रूप में आपकी कृपा पाने के लिए आए हुए हैं, ताकि आप हमें सेवा का मौका दें और हमारे भी भाग जाके। तो उन्होंने 33% रेजल्ट